अखिल भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में आने का एक मौका सरकार को घेरने का और मिल गया, वहीं इस मौके को कैसे छोड़ सकती थी भारतीय जनता पार्टी। इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के साथ कलेक्ट्रेट प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी दिया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के अनुसार कांग्रेस पार्टी के पास किसानों की संपूर्ण जानकारी मौजूद होने के बावजूद भी कर्ज माफी क्यों न की जा रही है, बल्कि कर्ज माफ कराए जाने को लेकर किसानों को केवल भ्रमित किया जा रहा है। वहीं भाजपा का यह भी आरोप है कि किसानों से अलग अलग रंगों के फार्म भरवाए जा रहे हैं, जबकि सरकार चाहे तो केवल अधिसूचना भर जारी करने से इन किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही है, जिसके चलते वह किसानों को यह कहकर टाल सकती है कि अब आचार संहिता लग गई है, अब कोई भी काम नहीं होगा। देखने लायक होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों का कर्जा माफ करने की जो बात कही गई थी उसे पूरा करने में कांग्रेस पार्टी वाकई कारगर होगी या नहीं। किसान मोर्चे के नेतृत्व में ये एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम भारतीय किसान मोर्चे ने रखा। कांग्रेस सरकार ने सत्ता के पहले विधानसभा चुनाव के समय जो वचन पत्र था कि हम किसानों का सभी प्रकार का 2 लाख का ऋण माफ़ करेंगे, आज जब ऋण माफ़ करने की बात आई तो कांग्रेस ने तरह तरह के कई तरह के फार्म लाल पीले काले नीले हरे सब किसानों को दे दिए हैं और कहा है कि इनको भरो। जब आपके पास किसान का पूरा डाटा तैयार है, आपके पास उसने लिया हुआ ऋण आपके पास है, तो आपको उसे केवल प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए कि आपका कर्जा हमने माफ़ किया 2 लाख रुपए तक का। इसकी बजाय किसानों को कांग्रेस भ्रमित कर रही है, तरह तरह के उनके सामने प्रश्न पैदा कर दिए कि अगर आपने जब लिया है तो तब लिया है तो अभी लिया है तो ऐसे किंतु परंतु लगा करके और उनके साथ एक छलावा कर रही है। आने वाले समय में आज से 2 महीने बाद जब आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की तो यही कांग्रेस कहेगी कि अब हम आगे देखेंगे आने वाले समय में। इसलिए किसान मोर्चा आज उनको अपने वचन पत्र को पूरा करने के लिए याद दिलाने के लिए स्मरण दिलाने के लिए आज ये ज्ञापन हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को भारतीय किसान मोर्चे की तरफ से सौंपा गया है।